एक पासे पंजाब विच जिहड़ी मर्जी सरकार होवे किसानां नूं कणक ते झोने दे फसली चक्कर नूं बदलण लई बार बार अपीलां करदी रहिंदी है। जदों किसान ये फसलां छड्ड के गन्ने वल गए तां सरकार दा वतीरा हमेशा निंदणयोग रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने आउंदे सार एक बार 10 रुपए तो गन्ने के भाव में वधा दिते पर उसके बाद चुप पट लई। शुगर मिल लॉबी ने अजिहा कब्जा किया कैप्टन सरकार उत्ते ते नाल दे गुआंढी सूबे विच गन्ने का भाव इस वेले 358 रुपए है ते पंजाब विच 310 रुपए उत्ते ब्रेकां लग गई हैं। किसानों में अथाह जोश है, बेशुमार मेमोरेंडम दिए गए, मुजाहरे धरने किए गए पर सरकार के उत्ते कोई असर नहीं होया। इस वेले करोड़ों रुपया किसानों का जिते गन्ने का मिलों वल खड़ा है उत्ते सरकार दीआं सहकारी मिलों वल भी पैसे खड़े ने ते उत्ते दूसरे पासे सरकार गन्ने का भाव ना वधा के किसानों नूं वक्खरे तौर ते टीका ला रही है। इसलिए 20 तारीख नूं किसानों ने तय किया है, सरकार नूं अल्टीमेटम दिता है कि वह जलंधर लागे एक वड्डा धरना नैशनल हाईवे उत्ते ला देणगे जिहड़ा अणमिथे समय का होगा जदों तक सरकार गन्ने का भाव ठीक नहीं दिंदी, जदों तक घट्टो घट हरियाणे के बराबर भाव मिथ्या नहीं जाता। जबकि असलियत यह है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट मुताबक तो 700 कुछ रुपए गन्ने का भाव बनता है, फिर भी किसान 400 रुपए तक संतुष्ट हो सकते हैं। जे सरकार ने हुण भी ना सुनी तो यह अंदोलन लगातार GT रोड जाम करके पंजाब सरकार लई नवीं मुसीबत बनेगा। मैं अपील करदा सरकार नूं उह किसानां दा होर इम्तिहान ना लवे। तुहाडी गलती नाल 5 साल उन्होंने घाटा खाधा गन्ने की फसल में, हुण उह घाटा पूरा करन दा समां आ गया। किसान जदों तक भाव पूरा ना दोगे हरियाणे के बराबर ना दोगे किसी तरह भी संतुष्ट नहीं होणगे। एक पासे पंजाब विच जिहड़ी मर्जी सरकार होवे किसानां नूं कणक ते झोने दे फसली चक्कर नूं बदलण लई बार बार अपीलां करदी रहिंदी है। जदों किसान ये फसलां छड्ड के गन्ने वल गए तां सरकार दा वतीरा हमेशा निंदणयोग रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने आउंदे सार एक बार 10 रुपए तो गन्ने के भाव में वधा दिते पर उसके बाद चुप पट लई। शुगर मिल लॉबी ने अजिहा कब्जा किया कैप्टन सरकार उत्ते ते नाल दे गुआंढी सूबे विच गन्ने का भाव इस वेले 358 रुपए है ते पंजाब विच 310 रुपए उत्ते ब्रेकां लग गई हैं। किसानों में अथाह जोश है, बेशुमार मेमोरेंडम दिए गए, मुजाहरे धरने किए गए पर सरकार के उत्ते कोई असर नहीं होया। इस वेले करोड़ों रुपया किसानों का जिते गन्ने का मिलों वल खड़ा है उत्ते सरकार दीआं सहकारी मिलों वल भी पैसे खड़े ने ते उत्ते दूसरे पासे सरकार गन्ने का भाव ना वधा के किसानों नूं वक्खरे तौर ते टीका ला रही है। इसलिए 20 तारीख नूं किसानों ने तय किया है, सरकार नूं अल्टीमेटम दिता है कि वह जलंधर लागे एक वड्डा धरना नैशनल हाईवे उत्ते ला देणगे जिहड़ा अणमिथे समय का होगा जदों तक सरकार गन्ने का भाव ठीक नहीं दिंदी, जदों तक घट्टो घट हरियाणे के बराबर भाव मिथ्या नहीं जाता। जबकि असलियत यह है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट मुताबक तो 700 कुछ रुपए गन्ने का भाव बनता है, फिर भी किसान 400 रुपए तक संतुष्ट हो सकते हैं। जे सरकार ने हुण भी ना सुनी तो यह अंदोलन लगातार GT रोड जाम करके पंजाब सरकार लई नवीं मुसीबत बनेगा। मैं अपील करदा सरकार नूं उह किसानों का होर इम्तिहान ना लवे। तुहाडी गलती नाल 5 साल उन्होंने घाटा खाधा गन्ने की फसल में, हुण उह घाटा पूरा करन दा समां आ गया। किसान जदों तक भाव पूरा ना दोगे हरियाणे के बराबर ना दोगे किसी तरह भी संतुष्ट नहीं होणगे।